नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो डाला था, 36 स्लोट 3 फेस मोटर जो कि 3 HP की होती है, और उसका हमने डायग्राम का वीडियो डाला था, वाइंडिंग डायग्राम जो मेरे सामने है, और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। तो मैंने कहा था कि कल मैं एक पार्ट अपलोड करूँगा जिसमें इसका डेटा बताऊंगा आपको, कम्प्लीटली डेटा, और इसका जो कनेक्शन डायग्राम। तो पहले कनेक्शन की बात करते हैं। तो हमने टोटल यहाँ पे 36 स्लोट की मोटर है, और 2 पोल होती हैं, 2 पोल वाइंडिंग है 2800 RPM में। टोटल 3 3 कॉयलों के टोटल 6 सेट डाले थे, 3 3 कॉयलों की टोटल कॉयलें 18 थी। तो ठीक है, 3.75 इंच का इसका स्टेटस है, जो डाटा मैं सारा डिस्कस करूंगा आपको लिखित में। तो सबसे पहले इसके कनेक्शन देखिए, टोटल 6 सेट डालने के बाद टोटल 6 इनर निकले हैं, 6 आउटर निकले हैं, टोटल 12 तार निकले हैं। अब इसके कनेक्शन अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, इसका पिच 1 से 6 था। अब कनेक्शन देखिए, देखिए कहीं से भी कनेक्शन कर सकते हैं, किसी भी एक सेट को पकड़ लीजिए जो आपकी मर्जी हो। ये ब्लू वाली जो मैंने लाइन से बना, ब्लू कलर से मैंने बना रखा है, इस सेट को हम पहले पकड़ लेते हैं क्योंकि पहला हमने यहीं से स्टार्ट किया था। तो इस सेट का हमको आउटर तार पकड़ना, ये आउटर तार था, इस आउटर तार को हम पकड़ लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, इनर को नहीं पकड़ना है, आउटर को पकड़ लीजिए, और इसके सामने जस्ट आउटर जो है उसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनर तार बाहर की साइड है, जो आउटर तार वो अंदर की साइड से निकलता था। तो अंदर वाले तार को पकड़िए, यानी कि आउटर तार को पकड़िए, और इसके सामने जस्ट जो सेट है उसका भी आपको आउटर पकड़ना है। तो इसके सामने जस्ट ये वाला आउटर है। तो इस सेट को आप कैसे पहचानेंगे, जब मोटर रिवाइंडिंग होती है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो आप एक काम करिए कि इस सेट को जिसको आपने पकड़ रखा तार, उसके बाद 2 सेट स्किप कीजिए, उससे अगला पकड़ लीजिए, उसके सामने वाला ही वो होगा। इस कनेक्शन को ये आउटर से आउटर जोड़ना, इसको 1 से 4 कनेक्शन बोलते हैं। तो आउटर आउटर आमने सामने आपको जोड़ देना है। तो ये जो आउटर है इसको आमने सामने यहाँ पे जोड़ना है। देखिए हमने आउटर तार यहां से पकड़ा, और यहां पे जोड़ दिया है। पहले का आउटर चौथे के आउटर के साथ हमने जोड़ दिया बिल्कुल आमने सामने। और यहां पे ये इनर तार है, ये थोड़ा सा यहां पे भिड़ गया है, ठीक है, ये इनर तार है, इसका हम बाद में कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इनर इनर को छोड़ देना है। अब आगे बढ़ते हैं, पहला और चौथे का हमारा कनेक्शन हो गया, ये पहला है, ये चौथा है, दोनों सेटों का आउटर आउट कनेक्शन हमने कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे की तरफ, तो ये है दूसरा, ठीक है। अब दूसरे का इसी तरह से आउटर पकड़ना है, फिर 2 सेट छोड़ने हैं, 1 2, और फिर सामने वाले के आउटर से जोड़ देना है, बिल्कुल सेम तरीके से, सेम टू सेम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आउटर आउटर जुड़ गए हैं। तो ये पहला है, ये पहला है, पहला चौथे के साथ जुड़ गया है, और दूसरा है, दूसरा के बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है। ये 5वें सेट के साथ जुड़ गया आउटर। अब आपको इससे अगला पकड़ना होगा, तीसरा आपको पकड़ना है, तीसरा वाला सेट, और तीसरे का आउटर जोड़ना है, इसके जस्ट सामने है, 2 छोड़ के, इधर से 2 छोड़ लो या इधर से 2 छोड़ लो, या आप देख लो कि बिल्कुल सामने कौन सा है, ठीक है। तो इसके सामने बिल्कुल ये वाला है छठा, तो छठे के आउटर से जोड़ देना है तीसरे का आउटर,
तो इस तरह से हमने देखिए टोटल तीन कनेक्शन बनाए हैं, पहला और चौथे का कनेक्शन, दूसरे और पांचवे का कनेक्शन, तीसरे और छठे का कनेक्शन, आमने सामने बिल्कुल, ठीक है, दो छोड़ के एक से चार में कनेक्शन बनाए। अब हमारे जो टोटल तार हैं वो आउटर आउटर जो थे जुड़ गए थे अंदर अंदर, ये इनर इनर हमारे छह तार बचे हैं। अब इन छह तारों का हम मोटर के अंदर, इस मोटर में ये जो वाली मोटर थी 36 स्लॉट 3 HP, ठीक है, 36 स्लॉट 3 HP की 3 फेज में, इसके अंदर जो है वो डेल्टा कनेक्शन थे, तो इसको हम डेल्टा भी कर सकते हैं, स्टार भी कर सकते हैं। तो अब हमारा देखिए कैसे करना है, अगर डेल्टा कर रखे हैं तो स्टार कर रखे हैं तो कैसे करना है वो आप देख लीजिए। ज्यादातर मोटर डेल्टा ही होते हैं, मैं फिर भी बता देता हूं स्टार और डेल्टा करना। तो इसमें छह तार हमारे बचे हैं इनर, पहले का इनर, दूसरे का इनर, तीसरे का इनर, चौथे का इनर, पांचवे का इनर, छठे का इनर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन से लिख देता हूं, ये पहले का है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का। तो हमारे पास टोटल छह इनर तार ये हैं, सारे इनर हैं, सारे टोटल इनर, अब इनके हमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन करने हैं। इस मोटर में जो मोटर मैं बता रहा हूं इसमें डेल्टा होते हैं, वो चीज आप ध्यान रखिए। तो अगर आपको स्टार करने हैं तो आपको करने क्या है कि आपको तीन तार पकड़ने हैं, आपको पकड़ना है एक नंबर, तीन नंबर और पांच नंबर, ठीक है, पहले सेट का, तीसरे सेट का, पांचवे सेट का, पहले का, तीसरे का, पांचवे सेट का, पहले का, तीसरे का और पांचवे सेट का एक एक इनर तार पकड़ना है और तीनों को आपस में जोड़ देना है, तीनों को आपस में जोड़ देना, एक तीन पांच, एक तीन पांच को आपस में जोड़ दो और जो बाकी जो बचे हैं दो चार छह उनको बाहर निकाल दो तीन तार, वो हो गए आपके स्टार कनेक्शन। और डेल्टा जो इसके हैं वो आपको इस तरह से करने हैं, आपको क्या करना है, एक नंबर पकड़ना है, दो नंबर पकड़ना है और आपस में जोड़ देना है, एक तार बन गया, एक फेस बन गया, ठीक है। उसके बाद तीसरे का पकड़ना है, चौथे का पकड़ना है, ये आपका दूसरा फेस बन गया। अब पांचवे का पकड़ना है, छठे का पकड़ना है, ये आपका तीसरा सेट बन गया। पहले सेट का इनर पकड़ा, दूसरे सेट के साथ इनर के साथ जोड़ा, ये एक तार हो गया, और तीसरे का चौथे के साथ जोड़ के एक बना, और पांचवे का छठे के एक साथ, ठीक है। तो इस तरह से इसके इसमें कनेक्शन है। तो ये हो गया आपके डेल्टा कनेक्शन। ये आपके डेल्टा कनेक्शन, इस मोटर में डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके डेटा की, तो डेटा और एक से चार कनेक्शन इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं ऊपर 36 स्लॉट 3 HP 3 फेस मोटर, ये मोनोब्लॉक मोटर है, इसका आप ना एक क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और PDF फाइल बना लीजिए, उसमें जोड़ लीजिए, आपके काम आएगा। अब इसका डेटा देखें, वो लिख लीजिए डेटा,
डेटा मैं इसका बता देता हूँ एक दूसरे पेज में, या इसके पीछे लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ध्यान से देखिए, स्लोट है 36, फेस है थिनी 3 फेस, और हॉर्स पावर HP है 3, टोटल सेट हैं 6, सेट में क्वाइल हैं 3, एक सेट में 3 क्वाइल। रन है सभी क्वाइलों में 75, फर्मा है 8W, स्टेटोर साइज 6। इसके बाद आता है इनर डायर, अंदर की गोलाई मतलब, इनर डायर इसका 5.5 इंच, स्टेटर साइज इसका 3.75 इंच, SW की बात करें तो इसमें है 20 नंबर गेज सिंगल, फर्मा इसका होगा 20 इंच का, फर्मा 20 इंच का है। अब बात करते हैं टोटल कॉपर वेट की इसकी, टोटल वायर वेट इसका होगा 4 kg, कॉपर वायर, और जो क्वाइल हैं वो सभी सेम हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। नोट में मैं लिख देता हूं, सभी क्वाइल सेम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और एक चीज और, एक स्लॉट छोड़ के एक क्वाइल डलेगी, एक स्लॉट छोड़कर एक क्वाइल इंस्टॉल होगी।
और पिच मैंने बताया था इसका से पिच 1-6 है, पिच रहेगा इसका 1-6 सभी कॉयलों का, ऑल कॉयलों का। और बात करें इसके आरपीएम की, आरपीएम रहेंगे इसके 2880 और पोर रहेंगे इसके 2। पोल रहेंगे इसके 2 पोल में 2880 आरपीएम बनते हैं। और कनेक्शन ये इसका डेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कनेक्शन जो है वो डेल्टा रहेंगे और स्टार में चलाना चाहते स्टार भी कर सकते हैं आप, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा इसका वाइंडिंग डायग्राम प्लस में कनेक्शन डायग्राम, ठीक है, इस तरह से कनेक्शन कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में लिखिए, इससे संबंधित मुझसे कुछ छुटा हो डेटा में तो वो भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।